अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। उस लाल किले के बारे में तो शायद पूरी दुनिया जानती है जिस लाल किले को मई 1639 में मुग़लों के शहनशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद ने अपनी रिहाइशगाह के लिए चुना और उसी वजह से आगरा से मुग़लों का दारुल हुकूमत मुंतकिल करके दिल्ली लाया गया। वो लाल किला दिल्ली में मौजूद है। उस लाल किले से हर साल 15 अगस्त को हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर न सिर्फ झंडा लहराया जाता है, भारत का कौमी परचम लहराया जाता है, बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म उसके एक बुर्ज पर खड़े होकर कौम से ख़िताब भी करते हैं। ये रिवायत 1947 के बाद से अब तक जारी है, क्योंकि 1947 में जो इलाके हिंदुस्तान के कब्ज़े में आए और मतलब हिंदुस्तान को मिले, उनका दारुल हुकूमत दिल्ली करार पाया। आज भी लाल किला दिल्ली दिल्ली की सबसे बड़ी यादगार है और भारतीय हुकूमत उस एक लाल किले की सियाहत से अरबों डॉलर साल के कमाती है। मैं भी आज एक लाल किले में मौजूद हूँ, लेकिन इस लाल किले की किस्मत वैसी नहीं जैसी दिल्ली में मौजूद लाल किले की है। ना यहाँ परचम लहराया जाता है, ना यहाँ कोई वज़ीर आज़म परचम कुशाई करता है, ना इसके किसी बुर्ज पर खड़े होकर कोई वज़ीर आज़म या हुकूमत का ओहदेदार कौम से ख़िताब करता है। ये लाल किला आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ़राबाद में है। इसे रत्ता किला भी कहते हैं, रेड फोर्ट भी कहते हैं और लाल किला भी कहते हैं। अपनी अपनी किस्मत की बात है, नाम एक से हैं लेकिन किस्मतें अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसानों के नाम एक से हों तो उनकी किस्मत एक जैसी हो, और अगर जगहों के नाम एक जैसे हों तो उनके मुकद्दर भी एक जैसे हों। एक लाल किला आज भी आबाद है और एक लाल किले के खंडरों में मैं आज खड़ा हूँ। गोगे इसकी बहाली की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये उस शक्ल सूरत में बहाल हो सकेगा जिस शक्ल सूरत में ये आज से 450 साल पहले था। बुनियाद इसकी रखी चक हुक्मरान यहाँ रहे, कश्मीर के हुक्मरान हुआ करते थे। यूसुफ शाह चक उसका आखिरी हुक्मरान था। 1569 ईस्वी में इस किले की बुनियाद रखी गई। मुग़ल जब आए हिंदुस्तान में तो जाहिर सी बात है वो भुट्टे भूनने तो आए नहीं थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान के तमाम इलाकों पर कब्ज़ा किया जाए, कश्मीर को भी अपने साथ मिलाना चाहते थे। लेकिन चक हुक्मरान नहीं चाहते थे कि कश्मीर मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बने, लिहाजा ये चक भबड़ी, उस वक्त इसका नाम मुजफ़राबाद नहीं था, चक भबड़ी था या चक बेक। अच्छा जी, चक बेक जो है वो इसका नाम था, चकड़ी कोई एक नाम डिसाइड कर ले। अच्छा, उस वक्त मुजफ़राबाद तो था नहीं, ये चकड़ी बेग का इलाका था और यहाँ दरियाए नीलम और झेलम आपस में मिलते हैं। मैं इस वक्त एक बुर्ज के अंदर खड़ा हूँ और मेरे जो है वो इस किले के बिल्कुल साथ दरियाए नीलम बहता है। तो चक हुक्मरानों ने यह सोचा कि हम मुग़लों का रास्ता रोकने के लिए यहाँ एक किला तामीर करवाएँ। किला अभी ज़ेर तामीर ही था कि यूसुफ शाह चक को अकबर बादशाह के हुक्म पर धोखे से सियालकोट बुलाया गया। और सियालकोट किले में, मैंने सियालकोट किले का ब्लॉग करते हुए उसका जिक्र भी किया था कि यूसुफ शाह चक यहाँ कैद रह चुका है, बहाने से उसे वहाँ बुलाया गया और उसकी जो बड़ी महबूब मलिका थी हब्बा खातून वो उसके लिए गीत गाती रह गई और यूसुफ शाह चक को पहले सियालकोट से दिल्ली ले जाएगा और फिर वो कभी वापस नहीं आया। उसके बाद ये किले की तामीर रुक गई। 1646 ईस्वी में सरदार मुजफ्फर ख़ान ने बेड़ा उठाया कश्मीरियों को मुत्तहिद करने का। हज़ारा के कुछ कबाइल और कश्मीर के कुछ कबाइल को उसने जमा किया और उसने ये चक बकड़ी जो है इसे अपने नाम से आबाद किया और ये शहर कहलवाया मुजफ्फर आबाद। ये सन था 1646 ईस्वी का। लिहाजा नवाब मुजफ्फर ने इस किले की बाकी मंदा तामीर करवाई, लेकिन 1758 में चूँकि मुग़लों ने कब्ज़ा कर लिया था कश्मीर पर और कश्मीर मुग़लों का हिस्सा बन गया, लिहाजा इस किले की वो अहमियत बाकी नहीं रह गई जो जिस मकसद के लिए सरदार मुजफ्फर ने या नवाब मुजफ्फर ख़ान ने ये किला बनवाया था। ये किला जो है वो जिस हालत में भी था, उसके बाद ये डोगरों के पास आया और डोगरों ने इस किले पर कब्ज़ा कर लिया।
और ये 1928 तक दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा। डोगरे जब यहाँ से गए तो इसे लावारिस छोड़ गए, यानी जब डोगरों को शिकस्त हुई और डोगरे यहाँ से गए 1947 में, तो 1928 तक तो ये था, लेकिन 1928 के बाद उन्होंने एक फ़ौजी छावनी बना ली इसकी जगह और किले को दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल करना तर्क कर दिया। बहुत बड़ा किला था, 59 किनाल इसका रकबा था और 59 किनाल में फैला हुआ किला, ये सारे का सारा लाल पत्थर से बना हुआ था और इसी वजह से इसे लाल किला कहा जाता था। दरिया के बिल्कुल किनारे था, तीन जो है वो इसके हिस्से थे वो हम आपको दिखाते हैं। इसको सबसे ज़्यादा नुकसान 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले जलजले में पहुंचा, और ये इस किले की दीवारें पहले भी गिरी हुई थी और जो बाकी मादा दीवारें थी वो भी गिर गईं। लेकिन अब मैं मेरा ख्याल है कोई 15-18 साल के बाद मुजफ्फराबाद आया हूँ, तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि जलजले का 1.5 महीना मैंने मुजफ्फराबाद में गुजारा था, बल्कि पूरे कश्मीर में गुजारा था, और उस वक्त भी मैंने देखा तो उस वक्त इसकी हालत बहुत अच्छी थी। आज भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं जो बची कुची चीज़ें हैं इसमें, जो है वो ज़ेर ज़मीन कमरे भी हुआ करते थे, जिसके बारे में कहते हैं कि सिवाय मुकामी अफराद के और कोई नहीं जानता था। काल कोठरियाँ भी थीं, सहन भी था, एक ज़माने में सयाहों के बैठने के लिए कहीं बेंचें वेंचें भी लगाई गई थी, अल्लाह जाने वो बेंचें अब हैं या नहीं हैं वो पूछते हैं। तो आपको दिखाते हैं ये किला, लाल किला। दिल्ली के बारे में भी मैंने आपको बताया कि मुकद्दर की बात है, उस किले पर परचम लहराता है और ये किला इसद वीरान है। अल्लाह करे कि आप जब आएँ या जब मैं दोबारा आऊँ तो ये किला अपने असल शक्ल सूरत में बहाल हो चुका हो और एक बार फिर इस पर आज़ाद कश्मीर का परचम लहराए। मेरे साथ हैं मोहम्मद फारूक, ये इस किले की देखभाल करते हैं, और फारूक साहब ने मुझे बताया है, ये जो मैंने मालूमात आपको दी हैं कि किले की असर नौ तामीर हो रही है, इसकी मुरम्मत की जा रही है। फारूक साहब हमें किला भी दिखाएंगे और ज़रूरी मालूमात वो भी हमें फराहम करेंगे। तो फारूक साहब, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैंने तो ये बताया कि ये बुर्ज है, ये मुझे बताइएगा कि ये बुर्ज ही है? ये कमरे इनके थे, यहाँ पे उनकी फौजें रहा करती थी। अच्छा, माइक मेरे ये लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है यहाँ क्या था? ये कमरे थे, यहाँ पर उनकी फौजें रहा करती थी, ये डबल स्टोरी हुआ करते थे। अच्छा, ये तीर मारने के लिए दीवारों में सुराख बने, वो आग जलाने वाली वो चिमनी सी बनी हुई अंगीठी जो जिसकी ऊपर अच्छा ये डेकोरेशन किया हुआ। हाँ, ये जो डेकोरेशन वाली जो है, ये जिस पर मेहराब नज़र आ रही है, इस पर कभी आग जलाया करती थी, और ये तीर अंदाजों के लिए बनाए गए थे ताकचे, ताकि दुश्मन पर तीर बरसाया जा सके। आइए किले के दूसरे हिस्सों में चलते हैं और इस लाल किले का मुकद्दर देखते हैं। ये तो कुछ नहीं होगा ना, बस इस तरह का वो भी कमरा ही है इसका, तो भी नामुकम्मल है, तो इस तरफ से आधी दीवार इसकी बन चुकी है क्योंकि लोड बहुत ज्यादा था। अच्छा, थोड़ा ये खुश्क हो जाए, मजबूत हो जाए। अच्छा, ये दीवार जो है वो नए सिरे से बनी है? नई बनी ये सारा। अच्छा जी, ये सारा एरिया चूंकि गिर गया था, लिहाजा ये जो दीवार आपको सामने नजर आ रही है ये नई बनाई गई है। कोशिश की गई है कि पुराना मटीरियल इस्तेमाल किया जाए और पुरानी जो पत्थर है उसी तरह का इस्तेमाल किया जाए, ताकि इसकी जो पुरानी शान और शौकत थी वो बहाल की जा सके। आपको मैंने कश्मीर का एक और किला भी दिखाया था एलओसी पर जो बना हुआ था, जहाँ जहांगीर बादशाह की अंतड़ियाँ भी दफन है, बागसर फोर्ट। बागसर फोर्ट तो खैर बहुत ही वीरान फोर्ट था और है अब भी, बड़ा पुरसरार किला है। आपको अंदर से भी दिखाया था, लेकिन ये किला चूंकि शहर के साथ है लिहाजा यहाँ रौनक है और वो पुरसरारियत नहीं है जो आमतौर पर किलों में होती है। बहुत वसी और रीज़ मैंने बताया कि 59 एकड़ रकबे पर ये किला फैला हुआ था, और 59 कनाल। तो ये इसकी फसील का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है, उम्मीद है कि जब हम आइंदा आएँगे तो ये भी सारा कुछ बहाल हो चुका होगा। ये इसका मेन टावर है, ये पुराना ये है। हिस्सा नया बना है जी, लाल किले का, इसे नए सिरे से बनाया गया है। ये पुरानी इमारत है, ये इसका एक टावर होता था, आप कह सकते हैं वॉच टावर, इसका मुकम्मल बुर्ज था। ये वो तारीख लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है थोड़ी देर पहले, ये वो एक तारीख लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें मिट मिटा गई हैं और ये अंग्रेज़ी में तारीख लिखी हुई है। ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, फसील के ऊपर जाने के लिए, फसील के ऊपर चलते हैं। ये
रास्ता था सबका ज़माने में ऊपर टावर पर जाने के लिए। अच्छा, ये एक जो है वो टनल बनी हुई है, खुफिया सुरंग कह लें, यहाँ से भी जो है वो ऊपर बुर्ज के ऊपर जाया जा सकता था। ये सीढ़ियाँ बाद में, ये सीढ़ियाँ फिर बाद में बनाई गई, लेकिन हैं कदीम, ऐसा नहीं कि अभी बनाई गई हैं। ये कदीम सीढ़ियाँ हैं, 450 साल की तारीख है इस किले की। और ये जनाब इसका बुर्ज या वॉच टावर आप कह सकते हैं। यहाँ से इस वक्त भी मुजफ़्फ़राबाद शहर का पूरा नज़ारा होता है। और ये वो बुर्ज जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि इसकी जो है वो नए सिरे से मुरम्मत हुई है, दरिया नीलम इसके तीन साइडों पे आ जाता। अच्छा, ये किला जो है वो इस तरह बनाया गया था कि दरिया नीलम घूम फिर कर इसके तीन साइडों से आ जाता था। एक रुख तो ये था, ये जो आप देख रहे हैं, और फिर ये घूमकर किले के गिर्द घूमकर फिर ये उधर आ जाता। मैं वो हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ, आइए सर। अरे ये देखें जी, ये दरिया नीलम यहाँ से जो है वो आता है किले की पुश्त की तरफ से, और ये सारा फिर दरिया नीलम घूमता हुआ ये किले के ऊपर से घूमकर फिर ये यहाँ आ जाता है। यानी तीन रुख पर इसके दरिया नीलम मौजूद था और है अब भी। अच्छा, इसका जो शुमाली हिस्सा था दरिया नीलम, ऐसा नहीं है कि इसकी एक हिफाजती वो थी हिफाजत करता था, बल्कि जो इसका शुमाली हिस्सा था दरिया ने उसे भी बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया था। और 1992 और 2010 के सैलाब में इस किले को बहुत नुकसान पहुँचा है। और जो रही सही कसर थी वो 2008 के जो जलजला था उससे पूरी कर दी। ये सारी नई तामीर हो रही है। ये सारे फौजियों की रिहाइश के कमरे थे जो उस ज़माने में सिपाही यहाँ रहा करती थी। जी ये इनका दरमियान में लान बना हुआ। अच्छा, ये मैं कमरा एक अंदर से दिखा दूँ ज़रा। ये जनाब ये तीनों की चार के कंटेक्ट आपस में मौजूद हैं। हाँ जी, ये रबते के रास्ते कह सकते हैं आप इनमें। हाँ, जो है वो ये दीवारों में दरवाज़े बनाकर या इस तरह के रोशनदान बनाकर ये सारे के सारे कमरे एक दूसरे से मिले हुए थे। यानी दुश्मन की नज़र में आए बगैर जो तोपची थे या सिपाही थे वो एक से दूसरी जगह जा सकते थे। ये उनकी हिफाजत के पेशे नज़र, ये किले का एक और बुर्ज, इसमें भी वही जो है तीरंदाजों के लिए बने हुए हैं ताकचे, जहाँ से अपने दुश्मन पर वो तीर बरसाया करते थे। ये भी मेरा ख्याल है नई मरम्मत हुई है। ये ऊपर वाली नई है, ऊपर वाला जो है वो हिस्सा नया है और ये नीचे वाला जो है वो पुराना है। ये पुरानी दीवार है जी, इसको फिर नए सिरे से बुलंद किया जा रहा है। सामने इनके कैदियों के लिए ये रूम्स होते थे, ये आठ कमरे आज भी मौजूद हैं इनकी छतें, और इनकी छतों में उन्होंने ईंट इस्तेमाल की है। जहाँ की आर्च बनी है वहाँ पर ईंट इस्तेमाल की है, और इन कमरों के अंदर जो छतें वो ईंट से बनी है। तो ये आठ कमरे हैं जहाँ मैं अब जा रहा हूँ, ये कैदियों की के लिए काल कोठरियाँ हुआ करती थी। इनकी छतें भी मौजूद थी और हैं। ये खैर अब तो इसको स्टोर की शक्ल दी गई है, तामीराती मटेरियल यहाँ रखा हुआ है, लेकिन ये काल कोठरी हुआ करती थी जहाँ कैदियों को रखा जाता था।
ये टोटल 8 कमरे हैं, इसके 2 बने हुए, एक ये आ गया, एक इसके बराबर में आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ है, हाँ, 8 कमरे, बाकी जो है उनके 3-3 बने हुए अंदर अंदर से। अच्छा जी, इसके 2 हैं, बाकी के 3-3 हैं, 2। अच्छा, मतलब 6 और 2 8 कमरे हैं। ये सामने जो, अच्छा, ये हवा के लिए वेंटिलेशन से वाजह नजर आता है। अच्छा, ये हवा के लिए, गुड। इसका दरवाजा अलादा, इसके अलादा। अच्छा जी, सर बचाना। हाँ जी, ये इनके अंदर हवा के लिए। अच्छा जी, वो काल कोठरी जो मैंने आपको अंदर से दिखाई, ये उसकी हवा का जरिया है। ये एक सुराख बनाया गया है, मतलब बाहर से भी अंदर नज़र आता है और अंदर से भी बाहर नज़र आता है। ये काल कोठरी में हवा का भी बंदोबस्त किया गया था, लेकिन काल कोठरी का मतलब ये अंधेरी कोठरी होता है, रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं होगा यकीनी तौर पर। ये दूसरा हिस्सा, सर जो है वो मुझे फारूक साहब बार बार कह रहे हैं कि सर बचाइएगा, क्योंकि इसकी छतें जो है वो बहुत, दरवाजे भी नीचे हैं और छतें भी इसकी, ये बिल्कुल साथ। ये मैं आपको यहाँ ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये मेरे एक बालिश भी मेरी पूरी नहीं आ रही। तो हमारा ये इसके 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं इसके। हाँ जी, चले चले चले, जितनी भी लाइट नज़र आती है, जब है ही काल कोठरी तो काल कोठरी होगी ना। ये ज़रा तसव्वुर करें जी कि उस ज़माने में जो कैदी हुआ करते थे या बागी हुआ करते थे ख़ास तौर पर, उन्हें इन काल कोठरियों में रखा जाता था जहाँ किसी किस्म की रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था। कैमरा भी आपको जो है वो रोशनी नहीं दिखा पा रहा होगा, हालांकि 2-2, 3-3 टॉर्चेज हमने जलाई हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो अंधेरा है वो नहीं कम होता। तो आप ये सोचें कि मोबाइल की 3-3 टार्चों में हम सिर्फ ये चीज़ देख पा रहे हैं। ये घड़ा है जिसमें मैं खुद, मेरा पाँव धंसा है तो बड़ा खौफनाक जो है वो मंज़र होगा। मतलब हम तो चले घूमने के लिए आए हैं, चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए। वो लोग, उनकी उनके बारे में ज़रा सोचे जिन्हें यहाँ बाकायदा कैद रखा जाता था। ये होल क्या चीज़ है, ये आपने बनाया या पहले से बना हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद ये भी उसका हिस्सा होगा। अच्छा, सर आप ये देखेंगे कैदियों को उन्होंने, अच्छा ये भी वही उसी तरह की काल कोठरी है, 3 काल कोठरियाँ ये हैं और 3 मैंने अंदर से आपको दिखाई हैं, यानी 8 काल कोठरियाँ जो है वो अब भी मौजूद हैं छतों समेत। और ये बड़ी बात है कि किसी खंडर इमारत में छतें भी सलामत हैं, इतनी मज़बूत छतें थी इनकी। सर सारे ही पत्थरों का बना हुआ है, नया तामीर हुआ ये सामने वाला पोर्शन। अच्छा, ये हिस्सा जो है ये नया तामीर हुआ है। अच्छा, पूरा गिर गया था ये, ज़बरदस्त। छोटे छोटे बच्चे हुए, अच्छा वो भी लगाए हुए, ये मतलब मौजूद थे या बाद में लगाए हैं? अच्छा, ये मौजूद रह गए थे, सही। ये फसील का एक और रास्ता, ऊपर एक चौकी बनी हुई है, वो चलकर देखते हैं। यहाँ से भी तीर, और उस ज़माने में वो तोपे होती थी जिनका गोला पीछे से लोड किया जाता था और फिर आग लगा के। आज भी यहाँ हम कहीं से खुदाई करते हैं ना, अच्छा, तो लोहे के वो गोले निकल जाते हैं, वो हमने रखे भी हैं, जो मिलते हैं वो रखते हैं आपस में, तो वो और बाकी कोई ऐसी चीज़ जो। अच्छा, लोहे के गोले मिले हैं यहाँ से, पाव के, आधा पाव के, छोटे भी, थोड़े से थोड़ा बड़े भी। अच्छा, तो मुख्तलिफ साइज़ के वो मिलते हैं, 2-4 मिल गए, 3 मिल गए कहीं खुदाई करते हुए, तो वो उसको संभाल के रख रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसका एक यहाँ एक अजायब घर भी तो हुआ करता था किसी ज़माने में। सारा जलजले में टूट गया ना, टूट गया, वो सराय भी ख़त्म हो गई जो बाहर हुआ करती थी, वो सब जलजला में तबाह हो गया, तो इंशाल्लाह दोबारा बन जाए, मुकम्मल हो जाए, तो फिर अपनी पब्लिक के लिए इंशाल्लाह खोलेंगे। अभी बंद किया हुआ है फिलहाल, बंद। अच्छा, चले जी, बड़ी मेहरबानी, हम
ये रास्ता जाता था नीचे। मैं वहाँ तक जाया जा सकता है? ये सामने की दीवार अब भी याद दिलाती है पुरानी तबाही की, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये भी बेहतर हो जाएगी। ये भी दो मंजिल हुआ करते थे। अच्छा, पहले वाली मंजिल का वो रास्ता आता है, दूसरी इसकी छत के ऊपर से ये रास्ता आ गया, तीसरी छोटी सी गली वो ऊपर बनी हुई है। अच्छा जी, ये भी तकरीबन यूँ कह लें कि ये तीन मंजिला बुर्ज था। नहीं, वो आपने बताया ना कि तीसरी भी ऊपर छोटी सी बनी हुई है, आप छोटा सा हिस्सा ऊपर भी बना हुआ है, और ये जो जो ग्राउंड फ्लोर आप जिसे कह सकते हैं उसका रास्ता ये है, और जो फर्स्ट फ्लोर है उसके रास्ते से हम अंदर आए हैं। ये देखें, ये दीवार पूरी की पूरी अलग खड़ी है, और खुदा न खास्ता ऐसा लगता है कि कोई झटका लगेगा और ये नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, बुरी हालत है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये बहुत जल्द बहाल हो जाएगा। फारूक साहब, कितना अर्सा लगेगा इसको? सर, इसके 3 साल तो हो चुके हैं लगा हुआ काम। अच्छा, तो अब आगे 1.5 साल लगता है, आप जिस तरह आज कल हमारे टीवी लॉन्च आ गए, इधर एक रास्ता उधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये दोनों रास्ते एक ही तरफ जाते हैं? वो इलादा सर, एक नीचे गली बनी हुई है। अच्छा, नीचे निकलता है ये इधर से, ये छोटा सा लान बना हुआ था सबका, जब आप आए थे तो सोके तो इधर कैंटीन होती थी। कैंटीन होती थी, बिल्कुल मुझे याद है। सारी जलजला में ये एरिया डैमेज हो गया। अच्छा, ये हिस्सा जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मुझे फारूक साहब ने याद दिलाया है, और मैं चूँकि पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, तो 2008 से पहले यहाँ कैंटीन बनी हुई थी एक, लेकिन जलजले की नज़र हो गई, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। मेरा ख्याल है कि जब नए सिरे से इसको बनाया जाएगा तो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जो सयाह यहाँ आते थे या आएंगे उनकी का बंदोबस्त भी हो उनके लिए खाने पीने का। ये दो सतून जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे किले के वाहिद सतून हैं, मतलब यूँ कह लें कि इस पूरे किले की इमारत को इन्हीं दो सतूनों ने सहारा दिया हुआ है। बाकी सारी दीवारें बगैर सतूनों के हैं, लेकिन ये बुलंदों वाला दीवारें हैं। मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई 50 फुट तो होगी, 35 से 50 फुट ऊंची दीवार इसकी थी। ये सारा हिस्सा किसी ज़माने में आगे तक बढ़ा हुआ था, कुछ दरिया खा गया, दरिया निकल गया और कुछ जलजले की नज़र हो गया। तो ये आप आजकल तो खैर इंचों के हिसाब से दीवारें बनती हैं, लेकिन इस किले की एक एक दीवार 8 से 10 फुट मोटी है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसकी बेसमेंट भी मौजूद थी पूरे किले की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है 450 साल बीत गए, 450 साल में क्या चीज़ बाकी बचती है, वो जो तहखाना है वो बंद हो चुका। इस दरवाजे से हम यहाँ आए थे, ये दीवारें भी मैंने कहा ना कि बिल्कुल गिरने वाली हैं, बाल पत्थर तो ऐसे हैं जैसे बस अटके हुए हैं और अभी गिर जाएंगे, लेकिन अभी तक ये किला इस हालत में मौजूद है, और अब इसकी बेहतरी का काम भी जारी है। आइए आपको दूसरे रास्ते से दिखाते हैं, दरिया नीलम को भी एक रास्ता निकलता है, एक लॉन ये है और एक दूसरी छोटी सी गली है, वहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। ये जनाब, ये दूसरी गली, फारूक साहब हमारे आगे आगे हैं हमें बताने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ये इसका दरवाज़ा, और ये जनाब पत्थरों पर से गुज़र के हमने जाना है। ये हमने सीधे जाना है, ये इधर जाना है, सामने, सामने जाना है। अच्छा, ये इसमें क्या है? ये वो ये आपको मैंने
अच्छा ये बुर्ज, अच्छा बुर्ज वाला, अच्छा ये जो मैंने पहले जो बुर्ज दिखाया था कि उसकी ग्राउंड फ्लोर का रास्ता, ये वो रास्ता है जो उस बुर्ज के की तीन मंजिला बुर्ज को जाता है। ये जनाब आर्च, इससे गुजर कर हमने जाना है और ये जनाब हम आ गए, झुक कर आना पड़ा है। इसके आगे मेरा ख्याल रास्ता नहीं है जाने का। आगे नहीं है ना रास्ता, बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त आइए फारूक साहब अभी मेरे साथ खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं। हम किले के एक कोने से चले थे और दूसरे कोने तक पहुंच गए। वहाँ भी दरिया नीलम हमारे साथ था, यहाँ भी दरिया नीलम हमारे साथ है। वो एक तरफ थी, शुमाल की तरफ थी, और ये गालिबन जनूब, ये जनूब है, मगरब ये है ना। अच्छा हम जनूब की तरफ से चले थे, शिमाल की तरफ आ गए हैं। ये मेरे पीछे अगर जगह होती तो मैं आपको यकीनन नीचे भी ले चलता, लेकिन नीचे चलने की जगह कोई नहीं। मुझे फारूक साहब ने बताया कि ये हद फासिल है, आगे सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ सीढ़ियाँ भी बनेंगी। और ये जो मेरे पीछे आपको जगह खाली नज़र आ रही है, यहाँ प्लान ये है कि कैफेटेरिया और क्राफ्ट बाज़ार बनाया जाएगा। कश्मीर की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, कश्मीर की शालें मशहूर हैं, कश्मीर का जो है वो अपना एक कल्चर है, वो सारे का सारा यहाँ नुमाइश के लिए रखा जाएगा। और आने वाले दिनों में ये किला फिर से अपनी पुरानी आबोताब और शान शौकत हासिल कर लेगा। यहाँ चलते चलते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आज़ाद कश्मीर का जो महकमा आसार कदीमा है, उसमें मेरा ख़्याल है कि 80 के लगभग लोग हैं, और बाकी जो है वो दर्जा चहारम के लोग हैं, लेकिन अफसरान की तादाद और जो मतलब ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी तादाद 80 है, मतलब बहरहाल 100 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये देखकर खुशी हुई कि आज़ाद कश्मीर में जो पुरानी यादगारें हैं या जो आसार कदीमा हैं, उनकी बहाली का काम जारी है और उन्हें बहाल करने की कोशिश की जा रही है। 3 साल से काम इस किले पर हो रहा है और मज़ीद मेरा ख्याल है 1 या 2 साल लगेंगे तो ये किला अपनी पूरी शान और शौकत के साथ बहाल हो जाएगा। इसे देखकर मुझे रश्क भी आया, हसद भी हुआ। हसद इस बात पर हुआ कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर से कहीं ज़्यादा आसार कदीमा मौजूद हैं, किले मौजूद हैं, जगह मौजूद हैं, लेकिन हम उनकी बेहतरी के लिए, उनकी जो बहाली है उनके लिए कोई कोशिश नहीं करते। लेकिन आज़ाद कश्मीर आकर ये खुशी ज़रूर हुई, ख़ासतौर पर मुजफ़्फ़राबाद में, कि यहाँ का रेड फोर्ट या लाल किला, उसकी बहाली का काम जारी है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये अपनी पुरानी शान और शौकत हासिल कर लेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि यहाँ कोई झंडा लहराएगा, कश्मीर का झंडा लहराएगा, या यहाँ वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म है वो हर साल यौमे आज़ादी के मौके पर यहाँ से अपना खुतबा दिया करेंगे, लेकिन ये ज़रूर होगा कि एक रेड फोर्ट या लाल किला अगर हिंदुस्तान वालों के पास है दिखाने के लिए, तो एक लाल किला हमारे पास भी होगा जिसे हम दुनिया को दिखा सकेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।